सो है गाइस, स्वागत आपका आप ही के यूट्यूब चैनल मिश्को डीके में। एंड आज हम जो शेयर के बारे में बात करेंगे वो है सुजलोन एनर्जी लिमिटेड। सुजलोन एनर्जी के अंदर आज के दिन आप लोग देखोगे ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में जबरदस्त एंट्री बन रही थी। 1845 का लेवल आपको दिया था ना कल की वीडियो में, 1845 काटा, स्टॉक ऊपर में गया और अपर सर्किट में लॉक हुआ है। और यहाँ से आप लोग देखोगे जबरदस्त स्टॉक में वॉल्यूम भी आज के दिन आई है 28 करोड़ की। यह 28 करोड़ 18 लाख की वॉल्यूम अगर इतनी हाई भी लगी है तो भाई डाटा देखने में मजा आएगा। आज के दिन जबरदस्त डाटा देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते भी इसके कल के क्या लेवल्स रहेंगे, साथ में जो आज स्टॉक में तेजी बनी है इसके पीछे एक्चुअली में रीज़न क्या है। इसके पीछे एक्चुअली में रीज़न ये है कि कंपनी ने जब से अनाउंस किया कि क्वार्टर वन की कंपनी ने डेट अनाउंस किया, रिजल्ट वगैरह आएंगे कब, इसके ट्यूजडे को, यानी कि मंगलवार को 25 तारीख को कंपनी अपने क्वार्टर वन के नंबर डिक्लेयर करेगी। अगर भाई क्वार्टर वन के रिजल्ट्स देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि भाई इससे पहले ही स्टॉक में क्यों इतनी तेजी बन रही है, क्योंकि इन्वेस्टर पहले ही स्टॉक में एंट्री ले रहे हैं। बाद में पता नहीं स्टॉक मिले या ना मिले, बहुत सारे निवेशक आज भी ऐसे बैठे रह गए। अपर सर्किट में जब स्टॉक लॉक हुआ ना, तब हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि सर शेयर मिल ही नहीं रहे। मैंने बोला मार्केट प्राइस पर ऑर्डर लगा के रखो, मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो बहुत सारे निवेशकों को मिला भी है। तो यहाँ से आप लोग देखोगे भी एएसएम की मैं बात करूँ तो कुछ एक नेगेटिव पॉइंट्स है स्टॉक के अंदर। फर्स्ट स्टेज में एक्टिव है काफ़ी टाइम से, बट स्टॉक ने जो पीछे स्टॉक में जो तेजी बनी है वो इसके अंदर फंडामेंटल्स में जो सुधार आए हैं वो है। कंपनी ने अपना जो डेप्ट है वो 90% तक कम किया है, वो उसका रीजन है। ठीक है, उसके साथ साथ आप लोग देखो कंपनी ने कितने ऑर्डर विन किए हैं, ऑर्डर बुक इसकी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो चुकी है, 2000 मेगावाट के आसपास पहुंच चुकी है। तो भाई ये इतने अच्छे न्यूजेज निकल कर आएंगे, इतने अच्छे डाटा कंपनी ने दिखाए हैं, उसी के बेस पर स्टॉक में तेजी बनी है। न कि जो ऑपरेटर स्टॉक में घुसे, ऑपरेटर ने पंप कर दिया तो स्टॉक को लेकर जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल जो तेजी बनी है वो जेन्युइन तेजी है। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि ऑपरेटर ही नहीं है, अभी देखो स्टॉक में ऑपरेटर भी है, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटर भी घुसे हैं, लेकिन जो तेजी बनी वो जेन्युइन तेजी बनी है। ठीक है, कंपनी के फंडामेंटल्स में सुधार आए हैं। तो चलिए भाई इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके कल के लेवल्स को लेकर। और एक कमेंट हो रहा है कि भाई अभी अभी इसकी एक नोटिस पब्लिश किया है कंपनी ने, तो चलिए भाई वो नोटिस भी देखते हैं। नोटिस के अंदर आखिरकार ऐसा क्या आया है कि जो पब्लिक है वो परेशान है, आखिरकार क्या ऐसा कंपनी ने अनाउंस किया है। तो चलिए देख भाई, कुछ भी नहीं है, कंप्लायंस सर्टिफिकेट है 3 घंटे पहले, आप लोग देखोगे ये कंप्लायंस सर्टिफिकेट कंपनी ने जो अभी अनाउंस किया है। इसके अंदर क्या कुछ बोला गया है, शेयर ट्रांसफर एजेंट्स कंपनी फॉर द क्वार्टर एंड, भाई कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं भाई इसकी जो मेन चीज़ है वो डाटा वगैरह कैसा रहा है। वैसे तो आज के दिन वॉल्यूम जबरदस्त है, डाटा भी जबरदस्त देखने को मिलेगा, तो चलो देख लेते हैं, फिर टारगेट देखेंगे इसके। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी डाटा देखने के लिए सभी बेसब्री से है। यहाँ पर जो प्रीवियस क्लोजिंग थी 1785, ओपन हुआ 1795 के भाव पर, फिर लो स्टॉक ने लगाया। यहाँ पर आप लोग देखोगे 17.85 रुपये का स्टॉक ने लो भी लगाया, अपने प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास आया। उसके बाद स्टॉक में जो ना अभी तेजी बनी है, पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, सीधा स्टॉक जाते हुए डाटा है 1870 के भाव पर, और इसी के भाव पर क्लोजिंग लिया। और क्लोजिंग के बाद जो ऑर्डर देखने को मिले हैं, हला देने वाले ऑर्डर, अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो तकरीबन 38,73,850 क्वांटिटी आपको बाइंग के लिए, जी हाँ यहाँ से देख सकते हो बाइंग के लिए 38,73,850 क्वांटिटी लगी हुई नज़र आ रही है। डिलीवरी पोजीशन की अगर मैं बात करूँ तो डिलीवरी पोजीशन भी ज़बरदस्त है, 42%, जी हाँ 42% डिलीवरी उठाई गई है, ऑर्डर मजबूत लगे हुए हैं। तो स्टॉक में कल फिर से अपर सर्किट लगने से कोई नहीं रोकने वाला। तो चलिए चार्ट भी इसका देख लेते हैं अब। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी चार्ट्स को लेकर मैं काफ़ी टाइम से आपको पर डे वीडियो बनाता हूँ, चार्ट्स वगैरह लेवल वगैरह आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। स्ट्रांगली सपोर्ट का क्या बोला था, 15 रुपये के आसपास का है, 15.5 के आसपास का स्ट्रांगली सपोर्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इससे नीचे स्टॉक नहीं जाने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे स्टॉक आप जो है ना एक हाई लगाने के बाद, ठीक है, यहाँ पर एक बाउंड्री हाई क्रिएट किया, उसके बाद जो शेयर है वो कंसोलिडेशन जोन में आ गया था भाई। ठीक है, यहाँ से आप लोग देखो कंसोलिडेशन जोन में स्टॉक कितने टाइम तक हमें देखने को मिला, और लास्ट में जाकर मैंने आपको एक ही बात बोली, स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट देगा। ठीक है, आपको जो है स्टॉप लॉस लेके चलना, छोटा स्टॉप लॉस लेके चलिए, 16.80 का स्टॉप लॉस लीजिए, या फिर 17.20 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लेके चल सकते। तो 2 स्टॉप लॉस मैंने आपको लेने के लिए बोले थे। यहाँ से आप लोग देखोगे स्टॉक ने जबरदस्त रैली दिखाई, और इसका जो रेजिस्टेंस लेवल था 1845, इसको ब्रेक होने के बाद भी मैंने आपको बोला भी इसको ब्रेक होने के बाद अगर लो तो जबरदस्त बेस्ट आपकी बाइंग ऑप्शन होगी, अगर इसके नीचे में लेना चाहते हो तो स्टॉप लॉस लेके चलो। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखोगे भी स्टॉक कंसोलिडेशन किया, और ये एक इसका स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस बना हुआ था। ठीक है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो अभी 4 बार इस लेवल को टच करके वापस आया नीचे स्टॉक। ठीक है, फिर नीचे में फिर आप लोग देखोगे 3 बार सपोर्ट लिया किस लेवल के ऊपर, यहाँ से आप लोग देख सकते हो
तीन चार बार सपोर्ट लिया ना, यहाँ से सपोर्ट जरूर टूटे ठीक है, लेकिन यहाँ पर तीन बार सपोर्ट लिया है और चार बार आप लोग देखोगे रेजिस्टेंस ब्रेक की है, रेजिस्टेंस टच की है। तो ऐसे में रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, ज़बरदस्त ब्रेकआउट है। अगर यहाँ से 20% की भी सर्किट लिमिट होती ना आज के दिन, तो स्टॉक 20% का भी अपर सर्किट लगा सकता था। तो यहाँ से स्टॉक में ज़बरदस्त रैली आने के चांसेस आ चुके हैं। ऐसे में अब जो इसका रेजिस्टेंस था 1845, ये इसका सपोर्ट क्रिएट हो चुकी है अब ठीक है। जो इंट्राडे वाले हैं या फिर और कोई ऐसे ट्रेडिंग वाले, तो यहाँ से क्वार्टर वन से पहले 1845 का स्टॉप लॉस भी आप लोग लेके चल सकते हो ठीक है। अगर ये नीचे में आए तो स्टॉक फिर से इसे कंसोलिडेशन रेंज में आ जाएगा। तो 1845 का एसएल बन रहा है अभी इसका, और ऊपर में जो टारगेट इसके 22 के यहाँ से हमें दिखा सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, लेवल्स के ऊपर फोकस कीजिए, और यहाँ से आपको जो शेयर है ये बेनिफिट देगा ही देगा क्वार्टर वन में, तो आपको पता है भी ज़बरदस्त अनाउंसमेंट होने वाली है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।